दोस्तों आइए आज फिर से इंग्लिश ग्रामर की कुछ कंफ्यूजन्स दूर किया जाए। जैसे ये वर्ड है, इसे दा पढ़ा जाए या दी पढ़ा जाए, आखिर इसका एग्जैक्ट प्रोनंसिएशन है क्या, और सी को कब सा पढ़े और कब गा पढ़े, या फिर जी को जा पढ़ना ठीक है या गा पढ़ना ठीक है। इस तरह के कंफ्यूजन्स खूब होते हैं। देखिए दोस्तों, सारा खेल ई आई और वाई का है। वैसे तो सी को हिंदी में का कहते हैं, जैसे काम, कम, कैमरा, कैलेंडर, कैलकुलेटर, इस तरह से ढेरों वर्ड्स हैं जिसमें सी को का पढ़ा जाता है। लेकिन अगर सी के बाद ई आई या वाई आएगा तो सी को वहां पे सा पढ़ेंगे, जैसे सीमेंट और सेंटीमीटर। देखिए सी के बाद दोनों वर्ड्स में ई आया, इसलिए यहाँ पर सी को सा पढ़ते हैं। सी के बाद अगर आई आए तो भी सी को सा पढ़ेंगे, जैसे सर्कस है, सिनेमा है, इन सब वर्ड्स में सी के बाद आई आया इसलिए सी सा बन जा रहा है। अगर सी के बाद वाई आए तो भी सी को सा पढ़ा जाएगा, जैसे साइकिल, फैंसी, है ना। तो इस तरह के वर्ड्स में सी के बाद वाई आया इसलिए सी को सा पढ़ेंगे। यानी आज के बाद गांठ बांध कर रख लीजिए, सी के बाद ई आई वाई आएगा तो सी को सा पढ़ेंगे, वरना हमेशा सी को का पढ़ा जाएगा। अब आइए जी की बात करें, यहाँ पर भी खेल ई आई वाई का ही है। वैसे जी को तो गा ही पढ़ा जाता है हिंदी में, जैसे गो, ग्रो, गन, गेस्ट। लेकिन अगर जी के बाद ई आई वाई है तो जी को जा पढ़ेंगे, जैसे पेज, जनरल, इन सब वर्ड्स में जी के बाद ई है इसलिए जी को जा पढ़ रहे हैं। आई का एग्जांपल मार्जिन, मैजिक, इन सब वर्ड्स में जी के बाद आई है इसलिए जी जा बन जा रहा है। अच्छा वाई आए तो भी, जैसे इजिप्ट है और एनर्जी है, जिम है, इन सब वर्ड्स में भी जी के बाद वाई है और जी के बाद वाई आने पे जी जा बन जाता। इस तरीके से दोस्तों जी के बाद ई आई या वाई आएगा तो उस वर्ड में जी को हम जा पढ़ेंगे, वरना जी हमेशा गा रहेगा। हाँ याद रहे एक्सेप्शन भी है इसमें। उसके अलावा रही बात इस वर्ड की, तो देखिए बिल्कुल आसान है। अगर इस वर्ड के बाद कोई जो वर्ड आए और वो कंसोनेंट से स्टार्ट हो तो उसे द पढ़ेंगे, जैसे द क्राउ, द मार्केट। लेकिन अगर इस वर्ड के बाद आने वाले वर्ड की शुरुआत वाउल से हो, यानी ए ई आई ओ यू से, तो फिर इसे दी पढ़ेंगे, जैसे दी एंड, दी एलिफेंट। याद है वाउल हमने बोला, यानी वाउल जिसको लोग लिखते और पढ़ते हैं, एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इस वर्ड का है वाउल। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा कंफ्यूजन दूर हुआ, इसी को कब स या का पढ़े, जी को कब ज या ग पढ़े, या इस वर्ड को कब द या दी पढ़े। एक बार फिर से कंक्लूड करते हैं इस वीडियो को। सी के बाद ई आई वाई आने पर सी को स पढ़ेंगे, जी के बाद ई आई वाई आने पर जी को ज पढ़ेंगे, और टी एच ई के बाद आने वाले वर्ड की शुरुआत अगर वाउल से है तो उसे हम दी पढ़ेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। शुक्रिया दोस्तों।